नाजनी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को, क्योंकि नाजनी को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को, क्योंकि नाजनी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है अंडे आलू, मतलब बॉयल एग, और जो आलू की रेसिपी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये बॉयल एग और आलू की रेसिपी किस तरह तैयार होगी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये ना हल्के से मैंने ना ब्राउन करने हैं, फिर इसमें ना मैं ग्राइंड करके ना टमाटर डालती हूँ, अंडे उबालती हूँ, आलू डाल के ना फिर बनाती हूँ। ठीक है, मतलब सर्दियों में ये रेसिपी तैयार होती है उबले हुए अंडे या जौन से है वो दूसरे अंडों का सालन या आलू के साथ। तो आज हम जौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं बहुत इजी है। तो आप लोग, मतलब सर्दी है, अंडों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन एक तरह से बना बना के ऑमलेट खा के या एक ही मतलब अंडे का सालन बना के बंदा ज़रा बोर हो जाता है। तो उस बोरिंग को दूर करने के लिए, इस बोरियत को दूर करने के लिए हम लोग जौन सा इस रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। तो प्याज यहाँ पे मम्मा कैसे लाइट ब्राउन करने हैं? हाँ जी, हल्के से लाइट ब्राउन करके लहसुन का पेस्ट भी डालना होगा? नहीं, लहसुन नहीं वो नहीं डालना। ठीक है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि रेसिपी जो सी हमारी वो कैसे तैयार होगी। जी, तो व्यूअर, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने जो सी है एग वो बॉईल कर लिए हैं। तो आप लोगों ने जितने मतलब सालन बनाना है, जितना सर्विंग मतलब सिंगल सर्विंग है, जितना आप लोग अपने हिसाब से फैमिली का बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। तो हम लोगों ने ये एग बॉईल कर लिए, इनको हम लोग फिल ऑफ करके तो इसको फिर दिखाते हैं कि बाकी हम लोगों ने जो रेसिपी इसको कैसे तैयार करना है। ना ये प्याज थोड़े से वो करने हैं, फिर ये ग्राइंड करके ना बस जल्दी से पक जाएगा हमारे यहाँ। जी, अंडे तो मैंने उबाल लिए, छील भी लिए, मैंने आलू भी काट लिए हैं, थोड़े से और करने हैं। चलें, मैं अब भूनती हूँ, हम मसाले डालते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बस जीरा डाल लो। थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने। तो आलू कच्चे हैं? हाँ जी। अब ये ना 5 मिनट भूनती हूँ, तो बाकी मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ मसाला। हाँ जी, ये मैंने अंडे डाल दिए। अब ना अंडों को भी 2 मिनट मैंने भून लिया ऐसे अच्छी तरह। ठीक है, आप बनाए इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। आलू तो तकरीबन गल गए हैं हमारे, थोड़ी सी कसर है वो भी हो जाएगी। ये देखें, अच्छा जी, हाँ जी, ये 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर ग्राइंड किए हैं, प्याज आए जी रहे, ये टमाटर हैं, प्याज हैं,
गाढ़ा सा मसाला। हाँ जी, जो मैंने ना ब्राउन किए थे ना आपके सामने वो वाले, साथ ग्राइंड में डाल के ना मैंने। अब इसको पकाना हम लोगों ने। हाँ जी। कितनी देर? अब थोड़ा 2 मिनट में भूनती हूँ इसे। पानी वगैरह भी डालना कि इतना ही गाढ़ा रखेंगे इसे? तो भी आप जैसे बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, बस अब बाल आ जाए ना इसे हल्की आंच पे रखते हैं, फिर अच्छी तरह से पक जाएगा। ठीक है, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। बस देखते हैं कि जौन सी हमारी रेसिपी हो गई है फाइनल। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो रेसिपी है वो हमारी बन गई है। और ये देखें जी, अंडे भी और ये आलू भी, सारी रेसिपी जो सी हमारी फाइनल होगी। घी भी इसके ऊपर आ गया, तो बहुत ही अच्छा इसका एक लुक आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी रेसिपी है अंडे आलू वो होगी है फाइनल। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।